हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संजू श्रीवास्तव टेक्निकल चैनल में। आइए चलिए इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे तीन तरीके से। मान लीजिए किसी घर का वायरिंग पहले से हुआ है, उसका कनेक्शन कैसे करेंगे। और दूसरा तरीका में मान लीजिए किसी के घर का वायरिंग इन्वर्टर के कनेक्शन के साथ करना है। और तीसरा तरीका में बताएंगे कि इन्वर्टर का ऐसा कनेक्शन करेंगे, इन्वर्टर के पीछे से जो फेस का वायर निकल के आता है वो अंदर 5 पिन सॉकेट के अर्थ वाले पॉइंट से जोड़ करके घर में वायरिंग किया जाएगा। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। सब कुछ देखिए, ये मेन लीड का है, खम्भे का लाइन है, न्यूट्रल और फेस। इसको सबसे पहले मेन सॉकेट में इसका कनेक्शन करेंगे। जो फेस का पॉइंट है, फेस का पॉइंट हमेशा 5 पिन सॉकेट के दाहिने पॉइंट में जोड़ा जाता है। और न्यूट्रल का पॉइंट बाएं साइड में जोड़ा जाता है। और ये इन्वर्टर का है, इन्वर्टर में से एक ब्लैक लीड निकला होता है जिसमें 3 पिन प्लग लगा होता है और इसी में खोल दिया जाता है। और इन्वर्टर के पीछे से दो वायर निकला होता है जिसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। इस वायर को बैटरी में जोड़ दिया जाता है। रेड वाला बैटरी के प्लस पॉइंट में जोड़ेंगे और ब्लैक वायर बैटरी के माइनस पॉइंट में जोड़ेंगे। चलिए इसको जोड़ देते हैं पहले। प्लस पॉइंट में जुड़ गया, इसके बाद माइनस को माइनस पॉइंट में जोड़ेंगे। जुड़ गया। अभी इस अवस्था में अब इन्वर्टर से बैटरी चार्ज हो रहा है, इन्वर्टर भी चालू ऑन है। और जैसे मेन लीड का फेस वायर दाहिने साइड जोड़ा हुआ है, यदि इसको बाएं साइड जोड़ दिया जाएगा तो इन्वर्टर चार्जिंग नहीं होगा, ऑन ही नहीं होगा। इसको सीधा वायर कनेक्शन करना चाहिए। और इसके बाद मान लीजिए किसी घर का वायरिंग हुआ है तो इसको पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं इस वाले बोर्ड का। ये मान लीजिए इसमें उपकरण लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, इस बोर्ड में एक बल्ब है, एक फैन है, एक सीएफएल है, 5 पिन सॉकेट है, 4 स्विच है, इंडिकेटर फ्यूज है। चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं पहले। सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो यहाँ से न्यूट्रल का वायर ले लेते हैं, 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे। उसके बाद ये सीएफएल है, सीएफएल में भी न्यूट्रल का वायर एक जोड़ लेंगे। बल्ब है, बल्ब में भी जोड़ लेंगे। उसके बाद ये बल्ब है, इसमें भी जोड़ लेंगे। और इंडिकेटर है, इंडिकेटर में भी फेस का पॉइंट डायरेक्ट, न्यूट्रल का पॉइंट डायरेक्ट जोड़ेंगे। अब ये न्यूट्रल का कनेक्शन पूरा हो गया, उसके बाद फेस का कनेक्शन करेंगे। फेस का कनेक्शन सबसे पहले इस बोर्ड में फ्यूज लगा हुआ है, तो फ्यूज के ऊपर वाले या नीचे वाले टर्मिनल में डायरेक्ट जोड़ेंगे। और इसी में से आउट करा करके इस इंडिकेटर में जोड़ेंगे, इंडिकेटर डायरेक्ट जलता है। उसके बाद इस तीनों स्विच के तीनों टर्मिनल में डायरेक्ट जोड़ेंगे, चारों में 4 स्विच है। उसके बाद स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ेंगे। जैसे इस स्विच का एक पॉइंट खाली है, 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट खाली, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। इस बटन इस स्विच को ऑन करेंगे तो 5 पिन सॉकेट चालू हो जाएगा। उसके बाद इस सीएफएल को इस स्विच से जोड़ देंगे और इस स्विच से इस फैन को जोड़ देंगे फेस के कनेक्शन। उसके बाद इस स्विच से इस बल्ब को जोड़ देंगे। अब मान लीजिए इसमें इस घर का वायरिंग पहले से हुआ है, उसमें इन्वर्टर का कनेक्शन देंगे। तो इन्वर्टर के पीछे से एक वायर निकला होता है, जैसे मेन लीड मेन खम्भे का तार से फेस वायर जा रहा है, तो इसको पहले यहाँ से कट कर लेंगे, काट देंगे और यहाँ से डायरेक्ट फेस का वायर यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ से ले लेंगे। और इस अवस्था में क्या होगा, लाइन रहेगी तो भी ये सब उपकरण कार्य करेंगे और नहीं रहेगा तो भी कार्य करेगा इन्वर्टर से।
दोनों अवस्था में सब उपकरण कार्य करेंगे, बल्ब जलेंगे, पंखा चलेगा, सेफल जलेगा, फाइव पिन सॉकेट भी कार्य करेगा। और चलिए मान लीजिए किसी घर का वायरिंग इन्वर्टर के साथ करना है, वायरिंग नहीं हुआ है, इन्वर्टर के साथ वायरिंग करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं इस बोर्ड का, यहाँ से मेन लीड का न्यूट्रल का वायर ले लेते हैं। सभी उपकरण में जोड़ लगी है। उपकरण क्या है देखिए, ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में डायरेक्ट जोड़ेंगे, उसके बाद बल्ब में डायरेक्ट जोड़ेंगे, उसके बाद फैन में डायरेक्ट जोड़ेंगे, उसके बाद मोटर में डायरेक्ट जोड़ेंगे, इसके बाद 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट में भी डायरेक्ट न्यूट्रल का वायर जोड़ देंगे बाई साइड। अब ये न्यूट्रल का कनेक्शन पूरा हो गया, इसके बाद फेस का कनेक्शन करेंगे। इसमें कुछ उपकरण लाइन से चलाना है, जैसे बल्ब हो गया 100 वाट का है, उसके बाद एक मोटर है, इसको सिर्फ लाइन से चलाना है, तो इसमें सिर्फ लाइन का कनेक्शन देंगे। नहीं तो इन्वर्टर का कनेक्शन देंगे तो क्या होगा, लाइट कटेगी तो इन्वर्टर से चालू हो जाएगा, इन्वर्टर तुरंत बढ़ जाएगा, डाउन हो जाएगा, इसीलिए ये दो उपकरण हमें लाइट से चलाना है, तो इसमें लाइन का कनेक्शन देंगे। तो लाइन का कनेक्शन यहाँ से ले लेते हैं, इंडिकेटर को भी लाइन से जलाना है। उसके बाद एक फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज में जोड़ेंगे फेस का वायर, उसके बाद इसी में से इंडिकेटर में जोड़ देंगे। अब इंडिकेटर जलेगा, डायरेक्ट लाइन रहेगा तो जलेगा, नहीं रहेगा नहीं जलेगा। उसके बाद मोटर चलेगा इस स्विच से, तो मोटर को हम इस स्विच, और एक बल्ब है तो बल्ब को भी हमें लाइन से जलाना है। तो इसमें पहले बल्ब में दे देंगे लाइन का सप्लाई, उसके बाद मोटर भी लाइन से चलाना है, तो मोटर को भी हम इस स्विच लाइन खंभे वाले फेस को इस स्विच में दे देंगे, इससे मोटर चलेगा। सिर्फ मोटर सिर्फ लाइन से चलेगा, मोटर और बल्ब, लाइन प्लस इन्वर्टर, लाइन से चलेगा लाइन से। और फैन बच गया, तो फैन का कनेक्शन इस स्विच से करेंगे। चलिए अब इन्वर्टर का इसमें कनेक्शन देंगे, इन्वर्टर से इसमें क्या क्या चलाना है, एक फैन चलाना है, एक 5 पिन चलाना, 5 पिन भी चलाना है। तो 5 पिन मान लीजिए मोबाइल वोबाइल चार्ज करना है तो 5 पिन से चार्ज हो जाएगा, लाइन नहीं रहेगा। तो इस अवस्था में देखिए इन्वर्टर का यहाँ से वायर ले लेंगे, इन्वर्टर के पीछे से रेड वाला वायर जा रहा है, आउट हो रहा है यहाँ से, सॉरी दोस्तों स्क्रीन में। अब यहाँ से लेकर के इस स्विच में जोड़ देंगे, इस स्विच में जोड़ देंगे। अब इसको देखिए ये इस स्विच को ऑन करेंगे तो फैन चलेगा, इन्वर्टर प्लस लाइन दोनों चलेगा। उसके बाद इस स्विच को चालू करेंगे तो 5 पिन सॉकेट चालू होगा, 5 पिन सॉकेट को इससे जोड़ देंगे, इससे मोबाइल भी चार्ज होगा। इस अवस्था में इस तरह कनेक्शन होता है, दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका हम क्या होता है कि ये जो है 5 पिन सॉकेट में तीसरा पॉइंट है, ये अर्थ के लिए होता है, तो ये अर्थ का कनेक्शन इन्वर्टर के किसी एक जगह बॉडी में जोड़ दिया जाता है, वहाँ से अर्थ के वायर को छुड़ा करके इस 5 पिन सॉकेट के फेस पॉइंट में जोड़ दिया जाता है, और यहाँ से कनेक्शन इस 5 पिन सॉकेट में जाता है अंदर ही अंदर, और इसी में से सभी बोर्ड में जितने भी उपकरण को इन्वर्टर से चलाना होता है उसी तरह जोड़ दिया जाता है। और इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।